भारत माता की, भारत माता की। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद ने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अमित शाह के नाम का अनुमोदन कर दिया है। इसके साथ ही अमित शाह के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मनोनयन पर मुहर लग गई है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी को बड़ी कामयाबी दिलाने में अमित शाह ने अहम रोल निभाया था। अमित शाह के ही चुनावी रणनीति की बदौलत भाजपा ने राज्य के इतिहास में सबसे अधिक सीटें हासिल की। अपने संबोधन में नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि उनका अध्यक्ष बनना उनका सम्मान ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं का सम्मान है। उन्होंने अपने ऊपर भरोसा जताने के लिए पार्टी का धन्यवाद भी जताया। अमित शाह ने कहा कि सिर्फ भाजपा में ही सबसे साधारण कार्यकर्ता पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद तक पहुँच सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए मौका उपलब्ध है, वो हम सब के लिए गौरव की बात। अमित शाह ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता किसी चुनाव को हल्के में ना ले, पंचायत से लेकर संसद तक हर चुनाव जरूरी है। अपने भाषण में बीजेपी अध्यक्ष ने अगले कुछ दिनों में चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि इन सूबों में प्रचंड बहुमत से पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करनी होगी। चार राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत जरूरी है कि चारों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार चारों राज्यों में बनाए, ये बहुत जरूरी है। आने वाले 5 सालों में कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, अरुणाचल, मेघालय, ये सभी ऐसे प्रांत हैं जहां कभी न कभी हम सत्ता में रहे हैं। हमारे संगठन का काम है किन राज्यों में संगठन को इतना मजबूत करिए कि जब कभी भी चुनाव आए तब वहां पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और सरकार संगठन के बलबूते पर पड़े। अमित शाह ने नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का संचालन करने वाले नेताओं को ये सुनिश्चित करना होगा कि अच्छी सरकार देने के मोर्चे पर कोई भी कसर ना छूटे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद, यूपीए की सरकार आने के बाद जिस तरह की अव्यवस्था देश में शुरू हुई उससे देश की जनता का भरोसा उठ गया था कि बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी कल्याण राज्य की स्थापना हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश में सुशासन ला सकती है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जो देश को कल्याण राज्य दे सकते हैं। बाद में आऊंगा। अमित शाह ने कहा कि आम चुनाव का नतीजा वंशवाद की राजनीति की हार है। उन्होंने कहा कि लोगों ने तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति को खारिज किया है और देश में एक प्रगतिशील पार्टी को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है। राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में।